राजस्थान में 16 अगस्त को सरकारी स्कूल के दो छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद पूरा शहर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की चपेट में आ गया। गुस्साई भीड़ ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। शाम 7 बजे पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी है और संभागीय आयुक्त ने 10 बजे से अगले 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दे दिया है। आज यानी 17 अगस्त को भी हालात शांतिपूर्ण लेकिन तनाव वाले हैं। अगले आदेश तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि ये पूरी घटना शुक्रवार को हुई जब दो स्कूली छात्रों के बीच आपस में झगड़ा हिंसक झड़प में बदल गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गुस्साई भीड़ ने पास के शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ शुरू कर दी और पथराव किया। देखते ही देखते गैरेज में खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा बढ़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए उदयपुर में सभी सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज 17 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया है। यह आदेश सभी स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में अग्रिम आदेश तक अवकाश घोषित किया गया है। कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक बच्चे के जो है जांघ पे चाकू से वार किया गया, जिसमें क्योंकि वो चाकू थोड़ा डीप था इसलिए बच्चे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैं अभी बच्चे को देख के आया हूँ। बच्चे का जो प्रारंभिक इलाज था, आईसीयू में बच्चा एडमिट है और बच्चे की स्थिति स्थिर है। और मैं सभी से, क्योंकि ये आपस पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है इस प्रकार की घटना क्यों घटी, मैं सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी प्रकार की अफवाह पे ध्यान मत दें। सारे प्रशासन, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी से बातचीत चल रही है और जिस व्यक्ति ने वार किया है उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की।